कैसा लगा भी 2-3 दिन मेरे बिजार नौजला लगा काम करूं ना बहुत किले 3 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कमेंट भी आ रहा है कि भाभी का दांत कैसा है। अब बताओ कैसा है आपका दांत। दास सही है। तो अब बचे हैं ऑर्डर के केक। आज है स्पेशल केक आए हुए हैं, तो आपको अभी नहीं बताने वाला हूं मैं कौन से केक हैं करके, पर बहुत मजा आने वाला है केक बनाने में भी, और आप भी देखते रहो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो दिन की शुरुआत हो गई है हल्द्वानी शहर से, अपने घर से। सो देखते रहो ब्लॉग। और कल शाम ही मैं हल्द्वानी आ गया था घर से, और अब है हल्द्वानी के ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो बने रहो और लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू। और सुबह सुबह मौसम की बात करें तो हल्द्वानी का आज मौसम साफ़ है। कल तो शाम के टाइम बादल भी थे, धुंध भी थी, पर आज पहाड़ों में धुंध है, इधर की साइड तो धुंध नहीं है। धूप आ चुकी है और लग गए हैं सब अपने कामों में। प्रियांशु भी चले गया स्कूल। ये देखिए मौसम साफ है ना पूरा। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम, धूप आ चुकी है। और सुबह सुबह का टाइम, भाभी लग गई है किचन में नाश्ता बनाने में। और ये देखिए नाश्ते में बन रही है रोटियां गेहूं की, मटर और के वहां से भी रहे कल हम तो मटर की रोटी खा के आया हूँ पहाड़। सुबह सुबह बनता नाश्ता। मुडुआ अभी गर्म है या उसी का कथका जाए रहे। तो है। अब मैं मुडुआ लेके आऊंगा, आप लोगों को भी चाहिए तो मेरे से संपर्क करना जल्दी से जल्दी। 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो। और नाश्ते में बनी है आज सब्जी, बीन्स और आलू। और कैसा लगा भी 2-3 दिन मेरे बिजार जला लगा किले काम करूं ना बहुत जला अच्छा आप ये मतलब मैं यहाँ होता हूँ तभी बनता है खाना, वरना ये तो बनाते ही नहीं है। पर आज सुबह सुबह इन्होंने सब्जी कम बनती है ना सुबह इसलिए यस भैया फिर आज सुबह भूख मर सुबह गई तो फिर क्या दिगर खानू। अब दे मैं चल रहे हम अब ऐसा तो नहीं वो है तो खाने छोड़ो, वो तो छोड़ो। 3 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कमेंट भी आ रहा है कि भाभी का दांत कैसा है। अब बताओ कैसा है आपका दांत। दांत सही है। दांत दांत एक ही सही दिन है। में मतलब डॉक्टर ने बोला इनको बहुत दर्द हो रहा। एक ही दिन में सारा ट्रीटमेंट कर हाँ दो। ट्रीटमेंट कर दो तो उन्होंने पूरा एक ही दिन में कर दिया था मेरा। फीलिंग भी कर दी है, घिस भी दिया है, अब सेब भी ले लिया उन्होंने दांत का, तो अब दांत बन के आएगा। बाहर की कैप आज बन आना है दांत अच्छा लगाने। आज कैप बन के आएगी, कैप बन के आ गई होगी, तो कैप बन के आ गई होगी, तो आज दांत लग जाएगा, तो खुशी की बात बस है। दांत ही देखो अब फेस में अच्छे खुशी आ गई है थे। बस दांत ही अच्छे थे ये भी चले तो दांत कर दिया है सही। चलो चल मैं तो जा रहा हूँ छत में, ठीक है। हाँ उस दिन से मेरी वो भी बढ़ गई धड़कने धड़कने। बढ़ उस तो दिन से बात बुखार ही नहीं था मेरे को था ना। बुखार था। और सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ छत में, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। सर्दियों के कपड़े भी लेके आया हूँ मैं घर से, बनियान अनियान, जिसको मैं कल पहन के भी लेके आया था, तो इनको धो देते हैं। और आज तो धूप आई है, क्या पता कल से कोहरा लग जाए। लेंसों का भी कुछ नहीं कहना है। चलो छत में चलते हैं और मौसम भी दिखाते हैं आपको। अच्छा हो रहा है गुन्नू, बता कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ जय कर जय, गुड जय बाबा मॉर्निंग गुन्नू, जय कर दे। बोल दो कैसा हो रहा है। और अब आगो
कादिल आयो। बादल भी देखो पहाड़ साइड में ही लगे हुए हैं, इधर को तो पूरे साफ है देखो शहर क्षेत्र में, और वहाँ ठंड भी हो रही होगी क्योंकि दो दिन में घर में था, बढ़िया मौसम था। और आज हूँ मैं शहर में हल्द्वानी में अपनी दुकान में, तो सारा सामान बना दिया है, अब बचे हैं ऑर्डर के केक। तो अब बचे हैं ऑर्डर के केक, आज है स्पेशल केक आए हुए हैं, तो आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ मैं कौन से केक हैं करके, पर बहुत मज़ा आने वाला है केक बनाने में भी, और आप भी देखते रहो। और कुछ नए केक हैं, ये केक बहुत कम आते हैं। तो एक तो बन गया है ऑर्डर का केक डिजाइन वाला, ये देखो इस तरह से डिजाइन है ना, चमक रहा है यहाँ से, अब देख खाने में बनाया आज क्या बनाया है? ये कापा, ये पापड़ का कापा ना, धबड़ू ये, और प्रियांशु के लिए बनाई है बिरयानी खिचड़ी बनाई है प्रियांशु के लिए, हमारे लिए ये बनाया है धबड़ू, और ये सब्जी हमारे पास धबड़ो कौन थे आ जाओ भाई, खाना खाओगे कापा खाओगे। तो अब है बारी स्पेशल केक बनाने की, डिजाइन वाला केक। तो यह है ब्रेड, यह है बेस, तो इसके ऊपर केक बनने वाला है 5 पाउंड का। आज है राउंड शेप में नहीं है, राउंड शेप स्ट्रॉ का होता है, पर यह है स्क्वायर शेप में, तो इसको बनाते हैं, आप देखते रहो। तो केक तो बन चुका है, सिंपल केक बन चुका है, अब इसके ऊपर से आनी है डिजाइन, वो सारा शुगर पेस्ट से आने वाला है, मतलब फोंडन की डिजाइन बनने वाले हैं करेक्टर। तो ये बना दिया सारा शुगर पेस्ट का सामान, गुड बाय पर्सन गुड। दोनों केक बन चुके हैं जिनका इंतजार सुबह से हो रहा था, तो कार्की जी भी आ गए हैं केक देखने के लिए। कैसा रहे, कैसे बने हैं कार्की जी केक? बढ़िया बने हैं। क्या कहना चाहते हो आप? बेहतरीन बने, बिल्कुल बेहतरीन। तो दोनों एक ही जगह केक जाने हैं इस तो ये केक बने हैं दोनों, तो कार्की जी को भी दिखा दिए हैं, कार्की जी के भी पसंद आ गए हैं। चलो अब इनको रख देते हैं डीप में। अगर आपको भी केक बनवाने हैं रिटायरमेंट के कभी, तो यहाँ आके संपर्क करना, अच्छे अच्छे केक भारी डिस्काउंट में फिनिशिंग के साथ बना दिए जाएंगे, ठीक है ना सर? क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल। कैसे बने केक? मस्त बने।